अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। नाम है आपका? राकेश। अच्छा, अभी कहाँ से आप आए हैं और क्या समस्या का लेकर कलेक्टर साहब से मिले? मैं हाटीपुरा तहसील से आया हूँ, देवास जिले के, और उमिया विहार कॉलोनी जो वार्ड नंबर 2 हाटीपुरा में है, उसके अवैध निर्माण के संबंध में आया था। अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। अच्छा, इसकी शिकायत कहीं आपने वहाँ करी? हाँ, मैंने तहसीलदार महोदय को भी की है, आज 1 महीना हो गया, अभी तक कोई उन्होंने उसका रिप्लाई नहीं किया, और थाने में भी मैंने आवेदन दिया, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसी के बाद मैं सारी चीज़ों की जानकारियाँ लेने के बाद बिजली विभाग से, अपने नगर पंचायत से और PWD विभाग से लेने के बाद यहाँ कलेक्टर मोदी के पास आया। अच्छा, अभी कलेक्टर साहब से चर्चा करी, क्या कुछ कहना है? कलेक्टर साहब से मैंने चर्चा की, उनके बाद उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। अच्छा, किसके द्वारा काटी जा रही है? कि निजी भूमि है या कृषि भूमि है, क्या है पूरा मामला? कृषि भूमि के ऊपर अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, उसमें अपने शिव पाटीदार, मधुसूदन पाटीदार, संतोष पाटीदार व अन्य 6-7 लोगों द्वारा मिलजुल कर खुद का पैसा लगा के उस कॉलोनी को काटा जा रहा है। तो इसका क्या डेवलपमेंट नहीं किया है या NOC या कुछ? डेवलपमेंट पूरा उन्होंने लगभग 60% के आसपास कर दिया, रोडें बना दी, बाउंड्री बना दी और पौधे लगा के उसके ऊपर, अभी पानी की टंकी ना तो उसका TNC है, ना रेरा है, ना नगर पंचायत से स्वीकृति है, ना ही छोटी रोडें बनाई हैं, और बिजली के तार के नीचे उन्होंने बाउंड्री वॉल कर रखी है, जिससे आए दिन करंट आने का डर बना रहता है। तो क्या मानते हैं, एक अवैध तरीके से कॉलोनी वहाँ पे विकसित करना, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इन्हें जो उचित कार्रवाई शासन द्वारा की जाए। ठीक, आपका परिचय, आपका नाम? मेरा नाम राकेश विश्वकर्मा। कहाँ रहते हैं आप? मैं हाटीपुरा वार्ड नंबर 2 ही रहता हूँ। ठीक।